व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रोहित कितरे, बैक विद अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच बेस्ट एक्सरसाइज जो आपके बाइसेप्स की ग्रोथ को बहुत जल्दी से बढ़ा देगी, और पांच वर्स्ट एक्सरसाइज जो आप में से 90% लोग कर रहे हैं, जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है, क्योंकि इन एक्सरसाइज से आपके जो बाइसेप की ग्रोथ है वो कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को 10 एक्सरसाइज बताने वाला हूँ बाइसेप्स की ग्रोथ की। जो 10वीं होगी वो वर्स्ट होगी, आपको अवॉइड करनी है। जो पहली होगी वो बेस्ट होगी। तो 10, 9, 8, 7, 6 ये जो एक्सरसाइज है ये आपको अवॉइड करनी है, ये वर्स्ट है आपके बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए। और जो 5वीं, 4थी, 3री, 2री, 1ली एक्सरसाइज होगी ये बेस्ट है आपके बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए। और आपको कौन सी चाहिए? बेस्ट वाली। तो इन वर्स्ट को हमेशा अवॉइड करना। 10वीं एक्सरसाइज होने वाली है रिवर्स कर्ल। ये एक्सरसाइज बहुत पॉपुलर है, मैंने भी की है, बट इस एक्सरसाइज से जो सारी मसल टेंशन है आपके फोरआर्म पर आती है। ये देखो, जब आप हाथ को ऊपर की तरफ लाते हो आपका फोरआर्म ज़्यादा एक्टिवेट है, आपका बाइसेप्स बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं है, मुश्किल से 10% होगा। और 10% आपका बाइसेप्स एक्टिवेट होगा तो ग्रोथ भी 10% ही होगी। तो अगर आपको फोरआर्म बड़ा करना है तो ये एक्सरसाइज कर सकते हो, बट एक बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए इस एक्सरसाइज को हमेशा अवॉइड करना, वर्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए। तो जो 9th एक्सरसाइज होने वाली है बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए, जो आपको हमेशा अवॉइड करनी है, वो है कंसंट्रेशन कर्ल। अब कंसंट्रेशन कर्ल एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, मैंने भी किया है, ये सारी एक्सरसाइज मैंने कर रखी है, जो वर्स्ट बता रहा हूँ वो भी कर रखी है। बट कंसंट्रेशन कर्ल में होता क्या है कि लोग अपनी कोहनी को हमेशा अपनी थाई के ऊपर रखते हैं, जिससे क्या होता है बाइसेप्स की जो मसल टेंशन है वो 10-20% ही आती है। बहुत सारे लोग नीचे भी अपने हाथ को लटका देते हैं, बट ये एक बेस्ट तरीका नहीं है अपने बाइसेप्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने का। और बाइसेप्स की ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है मसल टेंशन पे। हर एक्सरसाइज का क्या मतलब है, आपका बाइसेप्स कितना स्ट्रेच हो रहा है और कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और आगे जाके कितना स्क्वीज हो रहा है। तो इसमें आपको ये तीनों चीज़ें नहीं मिल पाती है। स्ट्रेच तो आपका पूरा हो जाएगा, बट आपका बाइसेप स्ट्रेच नहीं होगा पूरा, आपका ये वाला हिस्सा होगा, आपके शोल्डर हो जाएंगे। वो इस एक्सरसाइज को हमेशा अवॉइड करें अगर आपको अपने बाइसेप्स की ग्रोथ करनी है। तो ये होने वाली है 8वीं एक्सरसाइज वर्स्ट की कैटेगरी में बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए, वो है प्री चेयर कर्ल। अब प्री चेयर कर्ल मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है, क्योंकि जो सारी मसल टेंशन है इसमें आपके पीक पर आती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से करते हो। बट इस एक्सरसाइज में दिक्कत कहाँ पर आती है? जब आप वेट को इंक्रीज कर देते हो, क्योंकि ये एक ऐसी इकलौती एक्सरसाइज है जिससे कि आपकी मसल टेयर हो सकती है बाइसेप्स की। और आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा कि लोगों का बाइसेप्स टेयर हो जाता है इस एक्सरसाइज से। रीज़न इज कि जब आप बहुत हैवी वेट लेके चले जाते हो तो जब आपका हाथ नीचे आएगा तो ये जो मसल टेंडन्स है ना, एक तरीके से ये फट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फट ही जाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत हैवी से करी है, बट इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। वो एक्सरसाइज करनी क्यों जिससे आपको इंजरी हो जाए। वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज भी यही है और वन ऑफ द वर्स्ट एक्सरसाइज भी यही है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये पांच वर्स्ट एक्सरसाइज है जो मैं अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, ये बेकार नहीं है, इट जस्ट इनका जो इफेक्ट है आपके बाइसेप्स पर उतना नहीं पड़ेगा। 7वीं एक्सरसाइज जो आपको अवॉइड करनी है एक बड़े बाइसेप्स के लिए, वो है केबल कर्ल। अब केबल कर्ल तो यार बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जब आप ऊपर लाते हो ना पूरी मसल टेंशन आती है, आपका जो पीक है ना वो फटने को हो जाता है। अब इस एक्सरसाइज को अवॉइड क्यों करना है, क्यों ये टॉप 5 की कैटेगरी में नहीं है? द रीज़न इज, जब आप नीचे की तरफ लाते हो हाथ को तो जो मसल टेंशन है वो आधी हो जाती है, और आपको आधी मसल टेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि बाइसेप्स की ग्रोथ तो आपको पूरी रखनी है। तो जब आप ऊपर लाओगे तब आपको पूरा पीक फील होगा, पर जब आप इसको नीचे लाओगे तो मसल टेंशन बहुत कम हो जाती है। दैट्स वाई इसको मैं वर्स्ट या अवॉइड वाली कैटेगरी में रख रहा हूँ, नंबर 7 एक्सरसाइज बाइसेप्स की केबल कर्ल। तो ये होने वाली है वो 6ठी एक्सरसाइज जो आपको अपने बाइसेप्स रूटीन में हमेशा अवॉइड करनी है। इस एक्सरसाइज में है ना, हमारा जो आधा फोकस होता है वो रहता है अपने बैलेंस पे। और मैं लोगों को देखता हूँ, या तो वो इसको ऐसे सिंगल हैंड से करेंगे या वो दोनों हाथों को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में है ना, आपका फोकस 50-60% तो ऐसे ही रहता है कि आप आगे ना चले जाओ। आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? सारी मसल टेंशन कहाँ होनी चाहिए? बाइसेप्स पे। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको हमेशा अवॉइड करना है अपनी बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए। तो ये थी वो पांच वर्स्ट एक्सरसाइज। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पांच बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स ग्रोथ। और अपनी डाइट में क्रिएटिन को जरूर ऐड कर लेना,
क्रिएटिन एक नेचुरल और इकलौता सप्लीमेंट है जो आपका मसल मास इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिएटिन को ज़रूर ऐड करो, सबसे सस्ता सप्लीमेंट है इस दुनिया का और गारंटी आपको रिजल्ट देता है। क्रिएटिन की सप्लाई से 1 से 2 हफ्ते में आपका ऑल ओवर बॉडी मसल मास बढ़ जाता है, आपके जो ATP है वो इंक्रीज हो जाता है। और याद रखना क्रिएटिन आपकी बॉडी खुद से बनाती है, बट जब आप अलग से सप्लीमेंट दे दोगे तो जो आपकी बॉडी ATP बना रही थी एनर्जी, जिससे आप 6, 7, 8, 9, 10 रेपिटेशन मार रहे थे, तो जहां पर आप 10 रेपिटेशन मार रहे थे क्रिएटिन की सप्लाई से आप 12 से 13 से 14 रेपिटेशन तक मार पाओगे। जहां पर आप फॉर एग्जांपल 100 किलो के स्क्वाट्स मार रहे थे क्रिएटिन की सप्लाई से आप 120 130 किलो तक चले जाओगे। ये पावर है क्रिएटिन की। और अगर आपको चाहिए बजट के अंदर बेस्ट क्रिएटिन, तो बिग मसल न्यूट्रिशन का क्रिएटिन वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। ये फ्लेवर में आता है तो आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा। नॉर्मल क्रिएटिन है अनफ्लेवर होता है, जिससे क्या होता है पीने में लोगों को दिक्कत होती है, बट ये है फ्लेवर क्रिएटिन। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी आप क्रिएटिन लो मेक श्योर वो माइक्रोनाइज क्रिएटिन हो, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी होती है क्रिएटिन की जो आपको बिग मसल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको बजट के अंदर बेस्ट क्रिएटिन चाहिए, ये है वो क्रिएटिन, वाटरमेलन स्लश फ्लेवर है। प्राइस है इसका 499 रुपए, जिसमें आपको 50 दिन की सप्लाई मिलती है भाइयों, और गारंटी आपको रिजल्ट देगा। बहुत सारे इसके ऑलरेडी फ्लेवर अवेलेबल है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। बिग मसल न्यूट्रिशन का क्रिएटिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना, 6, 7, 8, 9, 10, इनमें से कोई एक्सरसाइज आपको 10% रिजल्ट देगी, कोई आपको 20% देगी, कोई 30 दे देगी, कोई 50 भी दे देगी, बट आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए, तो ये होने वाली है वो 5 एक्सरसाइज। अब बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 की, जो है हैमर। हैमर आपके ऑल ओवर बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये एक्सरसाइज काम करती है आपके आउटर पार्ट पे, ठीक है। अब हैमर करने का तरीका लोग सोचते हैं कि कौन सा सही होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, जिस पे आपको कंफर्टेबल फील हो, या बैठ के कर सकते हो, खड़े होके कर सकते हो, बस आपको अपनी जो पोजीशन है वो सही रखनी है। कैसे इस एक्सरसाइज को सही करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो मसल टेंशन समझो होती क्या है। एक तो आपने ढीला छोड़ दिया हाथ को, और एक आपने आगे आके टाइट कर लिया। ये देखो, ये मसल टेंशन बाइसेप्स पे आ गई और ये हट गई। तो पहला स्टेप है, यहाँ पर आपको हाथ रखने हैं और यहीं पर स्टार्टिंग होगी, यहीं पर एंडिंग होगी। जब आप ऊपर लाओ तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जितना हो सके स्क्वीज करो बाइसेप्स को, और नीचे लाके पूरा स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज। आपको ऐसे नहीं लगानी है, ना तो ऐसे लगानी है। आप चाहो तो अल्टरनेट डंबल से लगा सकते हो, चाहो तो एक साथ लगा सकते हो, चाहो तो खड़े होके लगा सकते हो, और चाहो तो बैठ के लगा सकते हो, पर बेंच ले लेना उसके लिए, नहीं तो कमर भी खराब हो जाएगी। अब बारी है एक्सरसाइज नंबर 4 की, जो हमेशा आपको अपने बाइसेप्स रूटीन में ऐड करनी है। वो होने वाली है जिगजैग कर्ल से 21 रेपिटेशन। अब 21 रेपिटेशन ये कैसे होने वाले हैं वो ध्यान से समझना। पहले जो 7 रेपिटेशन होंगे वो होंगे आपके नीचे के हाफ से, 1, 2, कोनी को देखो हिलाना नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7। बाद के जो 7 रेपिटेशन होंगे वो होंगे ऊपर से नीचे तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेक श्योर आप हल्के वेट का यूज करें, 21 रेपिटेशन मारना कोई मजाक नहीं है, और इस एक्सरसाइज में जो मसल टेंशन है वो आपकी एकदम पीक फाड़ देगी। और जो बाद के मतलब लास्ट के 7 रेपिटेशन होंगे वो होंगे फुल, 1, 2, ये देख सकते हो मैंने अपने हाथों को आगे रख रखा है, ढीला नहीं छोड़ा है, मसल टेंशन ऐसे ही आएगी, 3, 4, 5, 6, 7। अब बात करते हैं थर्ड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिगर बाइसेप्स, वो होने वाली है CT डंबल कर्ल, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। अगर आप चाहो तो बैठ के कर सकते हो, अगर आप चाहो तो खड़े होके कर सकते हो, मर्जी आपकी है, बट जिस चीज़ पर आपको फोकस करना है वो है मसल टेंशन। और जब आप डंबल को ऊपर की तरफ लाओ तो थोड़ा सा आपको रोटेट करना है डंबल को, ताकि पीक हिट हो सके आपका, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज। तो ये है वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपके पीक पर हिट करेगी आपके बाइसेप्स को बड़ा करने के लिए। तो जो सेकंड बेस्ट एक्सरसाइज होने वाली है आपके बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए वो है एक बारबेल कर्ल, और ये आपको खड़े होके करनी है। अगर कमर में दिक्कत आ सकती है आपके, आपको लग रहा है कि कमर पे लोड आ रहा है, तो बेल्ट बांध लेना।
अब इसको करने का एक ऐसा तरीका है जिससे कि आपकी जो मसल ग्रोथ है वो ऐसी हो जाएगी इकलौती एक्सरसाइज से जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब देखो, सबको पता है कि बारबेल कर्ल किए कैसे जाते हैं। नॉर्मल आपको खड़ा होना होता है और ऊपर स्क्वीज करना होता है। अब आप आजकल बहुत सारा देखते होंगे, लोग बोलते हैं कि है ना, आपको मसल टेंशन लानी है ना तो आपको हिलना नहीं है, ऐसे नहीं हिलना है। भाइयों, कई बार जो चीटेड कर्ल होते हैं ना वो हेल्प करते हैं आपकी मसल की ग्रोथ के लिए। आप कितने भी ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स को देख लेना, वो हमेशा चीट रैप्स मारते थे। चीट रैप्स आपको कब मारने और कैसे मारने हैं, जब आप 5, 6, 7 जितने भी आपसे प्रॉपर तरीके से रेपिटेशन लगे बारबेल कर्ल के, जब आपसे लगना खत्म हो जाए कि आपको नहीं लग रहा कि आप उठा पाओगे बिना हिले, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे झुकना है और यहां से स्विंग करना बारबेल को और कमर को पीछे नहीं लेके जाना, ठीक है। अगर आप बारबेल उठाते हुए कमर को पीछे लेके जाओगे ना तो आपकी कमर पे आ जाएगी मसल टेंशन, खाम का आपके बाइसेप्स तो छोड़ो, आपकी कमर खराब हो जाएगी। आपको क्या करना है, स्विंग तो यहां से करना है पर कमर को पीछे बैंड नहीं करना है। अप अप अप, इस तरीके से आपको चीटेड कर्ल करने हैं अपने बाइसेप्स की ग्रोथ के लिए। अब देखो, अगर आप बिल्कुल सही फॉर्म में ऐसे मार रहे हो, 6-7 रेपिटेशन के बाद आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ज़्यादा दम लगा के उठा लोगे। लगने ख़त्म हो गए तो हो गए, उसके बाद चीटेड कर्ल थोड़ा सा आपको हेल्प करेंगे स्विंग करने में, ताकि आप और ज़्यादा लोड ला सको अपने बाइसेप्स पीक पर और ये आपका जो डोला है वो उठ के खड़ा हो जाए ऐसे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर बिगर बाइसेप्स, जो आपके बाइसेप्स की ग्रोथ को इतना तगड़ा कर देगी कि आप बोलोगे रुक जा भाई, बस बस इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए। वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपके पीक पर हिट करती है और किसी भी पार्ट पर हिट नहीं करती है, जिसको करके ना तो आपको इंजरी होगी ना आपको मसल टीयर होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, बाइसेप्स की ग्रोथ। तो करनी कैसे है, सबसे पहले कमर को पीछे लगा ले। अगर आप अपने सर को ऊपर नीचे उठाना चाहते हो तो मर्जी है, बट जब आप सर को उठा के रखते हो तो बहुत चांस बन जाते हैं कि आपकी यहाँ की नस खिंच सकती है, मेरी खिंची हुई है गले की, दैट्स व्हाई बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर को एकदम पीछे लगा ले और अपने हाथों को आगे रख दे। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, जब भी आप हाथ को ढीला छोड़ दोगे आपकी जो सारी मसल टेंशन है खत्म हो जाएगी। मसल टेंशन बनाने के लिए हमेशा अपने बाइसेप्स को एक्टिवेट रखें, और कैसे होंगे, हाथ को थोड़ा सा आगे रख के। और आपको क्या करना है, स्ट्रेच हो गए पूरे बाइसेप्स, देखो कितना स्ट्रेच हो गया बाइसेप्स, सिर्फ बाइसेप्स पे आ रही है मसल टेंशन। स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज, स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, स्क्वीज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है भाइयों, जिसको करके ना तो आप अपनी फॉर्म को गलत कर सकते, ना तो आपको इंजरी होगी, और सिर्फ जो मसल टेंशन आएगी वो आपके पीक पर आएगी। तो ये थी भाइयों नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स ग्रोथ। जो 1 से 5 एक्सरसाइज है वो बेस्ट है, और जो 6 से लेकर 10 एक्सरसाइज है वो आपको अवॉइड करनी है। अब ये देखो भाइयों, जो 6 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी में मसल टेंशन कम आ रही है, किसी में इंजरी हो सकती है, किसी में आपकी जो मसल टेंशन बाइसेप्स से ख़त्म होकर बॉडी पर आ रही है, तो ये जो 5 एक्सरसाइज थी 1-5, ये सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस करेगी आपकी बाइसेप्स की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए। कमेंट में बता दो तुम्हारे भाई का बाइसेप्स कितने का मिलेगा, जो सही बताएगा उस भाई को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, अभी तो यही दे सकता हूँ भाइयों, ठीक है। प्रोटीन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे देख लेंगे, वो कभी गिव अवे का। ये थी भाइयों वो 5 बेस्ट और 5 वर्स्ट एक्सरसाइज फॉर बिगर बाइसेप्स। अभी के लिए भाइयों काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, दबा देना, साण बन जाओ, तोड़ दो, सब्सक्राइब कर देना। अब एक काम कर दो भाइयों, 5 मिलियन करा दो, और कमेंट में बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आपको चाहिए कि मैं जो ये वाली सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखूँ, जिसमें मैं हर पार्ट की एक्सरसाइज आपको करके बताऊँ कि ये 5 बेस्ट है, ये 5 वर्स्ट है। कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर अपने भाई को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल द नॉट पीस गेंस।